याद रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, जिस समय दशराज की पत्नी देवे के गर्भ से मंडली का जन्म हुआ, जिसे आला ग्रंथ में आला के नाम से भी ख्याति अर्जित हुई। इधर वत्सराज की धर्मप्रिया कनका की कोख से मलखान और शुलखान का जन्म हुआ। देवे माँ पुनः गर्भवती हुई है। छोटा बेटा उदल जब गर्भ में आया है दोस्तों, इधर ध्यान दें आप उरही की ओर कि माहिल के हृदय में वो कसक थी। और एक बात और बताऊं कि चुगल कभी माने नहीं रोज करावे रारी, नीली घोड़ी पे चढ़े उरही के परिहार। सोच रहे मन में ऐसे गड़माढ़ों में जाए कहूं करिया से कैसे, कहीं सुरजन चैतन्य कराऊं महबूब फेरो, अरे पात पात लुट जाए जिगर होए ठंडो मेरो। अरे मन ही मन में महल सोचे कैसे लुटेरे महोबो गाम, मेरो महोबो मेरे बाबुल को भोगत राज रजा परिमाली। गाई है गड़माढ़ों की तो लिली घोड़ी दई है बढ़ाई, अरे मन मन माहिल सोचत जावे हम करिया को देवे बहकाई, धर के पट्टी तेरे करिया को महुबे पे देवी चढ़ाई। अरे कई अधोज की मंजिल करके मानो किसी महाय दबाई ले जाई, करिया मिल गओ हेर फाटक पे तब माहिलनी कही सुनाई। सम्राट जम्बे का पुत्र करिंघा माणो के फाटक पर माहिल को मिला, तो माहिल करिंघा से बोले, चंदेले अकेले बसे महुबे तुम मानो कहीं न विलंब लगावो, युद्ध करो न डरो मन में सब फौज समेत महुबे पुजावो। पीठ दिखाए भगेरन से कछ सूर बनाए अपनो दिखलावो, राठौर ये काम करो जल्दी निज धाम से सारी फौज सजावो। अरे दोस्तों अरे कर कर चुगली उन महल ने सब घर कर गए बनिया ढार, न देखे किन महलन में तिन में फूक के लगाए दैया। दोस्तों कर कर चुगली अगली पिछली
धर पानी अभिमानी पे पानी अपनो दोहे चढ़ाई। बोला है माहिर अरे कहते हारो शत्रु तुम्हारो कहा हमारो ले बिचारी फौज सजाबो देरन लाबो ओ जम्बे के राजकुमारी। से रहना बहना चाहती है नौलखा हारी। अरे लूट करा ले कर महुबे की मौका फेर रहे मिलन को नाई गज पच्छा बतला खा पतुर ऐसी कहीं तो नर्तकी नाई। अरे घोड़ा पपैया हारा नौलखा जाते जात मिली जो छिनाई ये मन भाई गई करिया के और बाबुल ढिंग चलो सिधारी। राठौर जम्मे पो सुकुमार हाय बाबुल ढिंग जाय रहो है भक्तो जम्मे पो सुकुमार आज बाबुल ढिंग जाय रहो है। करिया बाबुल ढिंग जा रहो है ए। याद रखना मेरे नौजवान साथियों जिस समय उरई के नरेश माहिल को दरवाजे पर छोड़ करके जम्मे का पुत्र करिया अपने पिता की राजसभा में पहुंचा और बड़े ही सम्मान पूर्वक अपने पिताश्री से बोला पिताजी हाँ अरे पिता हमारे द्वार तुम्हारे ठाले उरही के परिहार और क्या है हुक्म आज माहिल को सोनिक मुख से कहो उचार। माहिल को संग लिवाय इतनी सुन के करिया चल दो हो इतनी सुन के करिया चल दो और फाटक पर पहुंचो जाए और ममा महीपति उरही वाले थारे फाटक पर परिहार। यहां पर माहिल खड़े हैं करिया जाकर के बोला
जाके करिया ऐसी बोलो हो जाके करिया ऐसी बोलो बाबुल तुमको रहे बुलाए और जल्दी चलियो राज्यसभा में ओ उरही के सुनो परिहार भर के एठत जात मूछ के बार आरे आबत देखो हर माहिल को सुंदर कुर्सी दई डरवाई थई आरे बैठो बैठो उरई बाले अब जम्मे ने कही सुनाई सम्मान पूर्वक मानो के सम्राट जम्मे माहिल को अपने पास बिठा लेते हैं। कहिए माहिल आना कैसे हुआ। मुस्करा करके माहिल जम्मे से बोले हैं महाराज अरे सुन के बानी हृदय समानी हंस कर कही मही पतिराज अरे लूट कराबो गढ़ महुबे की अपनों बदलो ले उचुकाए बड़े बड़े माल मिले महुबे में पल की देर लगावो ना आरे करो चढ़ाई लड़ो लड़ाई अपनो बदलो ले उचुकाई और मत भय खावो मौज सजावो मारू डंका दे बजाए करो न शंका महोबे पर हमला करने के लिए मानो के सम्राट जम्मे को उकसाया उसी समय जम्मे का पुत्र करिया अपने पिता से बोला अरे आज्ञा पाऊं तो मैं जाऊं फौज सजाऊं होती अबारी और हाथ जोड़ी की अर्ज बुझाई विनती दादा सुनो हमारी महुबे को पहली आए ना ककटाई जम्मे बोले के ओरे मूर्ख वो दिन भूल गया जिस समय दशराज और वत्सराज ने तुझे महुबे से खदेड़ करके मारा था शायद वो याद तेरे हृदय में नहीं रही आरे पीठ दिखाई शर्मन आई पाई बड़ी मुसीबत जाए और रण से भागे पीछे आगे त्यागे अस्त्र शस्त्र सब जाए आरे नंगे आए पीठ दिखाई शर्मन आई लला हमारी मर वो जाबो बनावो पावो विजय न लला हमारी जिस समय जम्मे ने अपने पुत्र को पुनः महोबे पर चढ़ाई करने से रोका तो आंखों में खून के शोले लेकर करिया बोला कि पिता श्री धीरा के मेरे धीरा
मेरा छूटे तो बेशुमारी आरे कट कट शीश अगरे धरती पे मुह में चल रे विकट तलवारी जलती आ गया दे पिताजी के मोको पल पल होती अमारी बोला है अगली पिछली बात छोड़ो बाबुल पैया में सज जाए फौज तो होई तैयारी जिस समय दोस्तों अपने पुत्र की हठ महाराज जम्बे ने देखी कि नहीं मानेगा धीरे से कहा कि बेटा अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो सुना के बाल हंस के कर में कहो प्रबल हथियार या वो पढ़ के आ वो लड़की कढ़ के जा वो के लला हमारी अरे घाव पीठ में जो हम देखे तो खंडक में दी है डरवाई बदलो ले ले निज इज्जत को महबो जाए कि गले वो लुकवाई अरे मिली इजाजत जब जम्मे की करिया फौज पुरो है सजाई देर करन को मौका नहीं के मारू बम है दई बजवाई दोस्तों इधर फौजी सज रही है अरे सेनापति को हुक्म सुनाओ सज के फौज तो करो तैयारी हाथी चढ़ैया के हाथी न चढ़ गए और कछु घोड़न पे भय सवारी दोस्तों जिस समय माणू के जवान सजे हैं माणू के जवान चले रड़कों जिन नारी अटारी बैठारी निहारे शादी भये दिन तीन गए कर कंगन मांग सिंदूर संभारी योबन अंग उमंग भरे पिया जात कहीं मन बैठिए मारे राठौर रंगी पिया के रंग में संग नाई मिलो के सिरेन गुजारे आज महुबे पू सज रही है महुबे पू सज रही है फौज महुबे पू सज रही है यारो गढ़ माढ़ो की फौज आज महुबे पू सज रही है
ध्यान रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, जिस समय मानव की फौज महोबे पर हमला करने के लिए चली, अरे फौजे सज रही गढ़ माणों की लंबी लंबी लगी कतार, और बड़े लड़ाके वीर बहादुर दुई दुई लटक रही तलवार। सज रही अष्ट धातु की गोला निकल जाए बापार, और सजे साड़ी आगड़ माणो के रेशम झूल दई डरवाई, और सज सज त्यार भय रड़ बंका शंका करत काल की नाय, और भरे रे साले है रे छकड़न मेरा ठोर ध्यान बिसर ना जाए। बारूदन के सज सज ज्वान रहे हर साई, और बज गौ डंका करे न शंका फंका करे न रे सन प्यार, दोस्तों इधर फौजी सज रही थी, उधर जवानों की पत्नियों ने जब देखा कि मेरे हृदय सम्राट युद्ध के लिए जा रहे हैं, आरे कर कर सोच सोच रही नारी रड़ को जाए रे पिया हमारी, और दाग हर दिया के ना छूटे हमसे रूठ गए करदार। खती नारी है रही ख्वारी बिन साजन के सखी हमारी, आरे जल बिन मीन पुरुष बिन नारी बिन सस निशा लगे अभियारी, और बिलखत छोड़ी चले कामिन को कमर दुई झूली तलवारी। I'm
थके सफर के मारे सबरे सोए पैर पसारे। ध्यान रखना राठौर, जिस समय करिया अपनी फौज को लेकर महोबे की सीम पर आ गया, रात्रि भर इसने विश्राम किया। सूर्योदय होते ही इसने एक गुप्त सभा बुलाई और हुआ क्या दोस्तों? अरे भोर भूरा रे तेरे रमुना में, रब ने दीनी है किरण पसार ने ते कर्म से फारिग हुई के करिया मन में करो है बिचारी। दोस्तों जिस समय गुप्त सभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रथम बार महोबे के सम्राट परमाल को खबर भेजी जाए, अगर राजी में हर नौलखा गजपत सावत लाखा पातो नर्तकी हमें भेंट में दे देते हैं तो युद्ध नहीं करना, ये सोच करके एक विशेष पत्र करिया महाराज परमाल के लिए लिखता है। आए कागज कलम हाथ ले करिया, आरे पाती लिखन लगो हर साय छत्रपति भूपति नरपति सुनियो महुबे के सरदारी। आरे जम्मे पिता नाम मम करिया है गढ़ मेरे सरदार, हमें लीला सा कोई ना चिंता केवल एक विजय आधारी। लिख रहा है अरे घोड़ा पपैया गजपत शाबद और जल्दी देवो नौ लखा हार लखा पातुर देवो नरत की शोभा अजब बेढ़िनी क्यारी। अरे दोस्तों इस समय करिया ने पत्र लिखा, अरे इतनी बातें जाने मन हाल लगे तो फकिला पे जाए दे गोला पर खोजा में गड़ खाइन में दी गिराई। अरे क्या मिलियो ने जन को के मैदान कहो तलवार और बंद लिफाफा मेरे खत करके हर तारा संदेश बाहर को पत्र दिया और कहा कि तुम महाराज परमाल को मेरा संदेश दो। अरे पतिले हर कारा चल दो पहुंचो राज्यसभा के द्वार और झुकिया दाब करो राजा तुम वैसे जहां मही पतिराई। शंका जिन्हें काल की
नाई। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, जिस समय करिया का संदेश वाहक महोबे की राज्यसभा में पहुंचा, आरे लैया पत्र का हर काराने और राजा खो दई गाई, और बाजत पाती धर की छाती और सरो मरो मगई छाई। भारत अधर अरुण बहन ना दो में जरी मसाली, और हुक्म दो है चंदे लेने कर में गहो सिरोही ढाली। आरे चढ़ो कर माले से हाथ जोड़ की कही सुनाई, बोले हैं दशराज, अरे हम नो कर तुम धनी हमारे पहले हम ही कहे तलवारी, बच्छराज ताला फूटे रो जल्दी फौज करो तैयारी। फौज हती महुबे की सब लड़ बे भई तैयारी, दोस्तों जिस समय महुबे के जवान करिया से युद्ध करने के लिए प्रस्थान नगर में से करते हैं, आरे पूछ बोल दो खेतन को या बदल अरुण रूप हुई जाई, अब तो फौज लखी महुबे की सज गए माणों के सरदारी। इहे लश्कर है माणों को उहे फौज महुबे प्यारी, और खाई खंडी कर चौबंदी मुरचा बंदी दई कराई। समय दोनों ओर से फौजों के मोर्चे लगे, आर्य दशहरा जनी आगे बढ़ के तब करिया से कही सुनाई, और काए भाबई करिया आई लाई महुबे के मैदानी। लश्कर में चहलंग छाई गो अंधियारी, वो पिछले हाथी ही सत घोड़ा बल बल कर सड़िया जाए, वो पिछले सड़िया भागे गड़िया भरुआ भागे पीठ दिखाए, और लागत गोला हो जाए कोला टोला सूनो पर दिखाए, और लागत गोली डगमग डोली गोली निकल हलक से जाए, और लगे डकैया हाय मेरे मैया या मरे बिगे सनवाई, ओ लागत छर्रा पर जाए भर्रा अर्रा भूमि गिरत भैराय, ओ लागत डंडा हुई दुई खंडा गंडा फुरत करे लो जाए, ओ लागे पछिया खुल जाए कछिया मछिया निकल जाए बापार, ओ लागे बिछुआ हुड़ जाए पुतुआ पुतुआ मर्त खेत में जाए।
और लगे चपेटा सूरत बेटा जो यठ पेटा मरे जबान और लागे रगड़ा छूटे झगड़ा बिगड़ा आज कहा भगवान और दादे सूरा भाजे पूरा पूरा करे समर मैदान और लागे पेगा खुल जाए भेजा ले जा निकल जाए बापार और लगे शिरोही हुई निर्मोही जो ही राह स्वर्ग की जाए और लागे ऊना हो जाए जूना सूना परो रहे संसार और लगे मगर भी चाखे चरवी खबरी थोड़ी जाए बापार और लगे भुजाली जाए न खाली लाली रही मैन बेछाए और लागे घासी चीखे आसी खांसी निकल जाए बापार और लागे भाला गिर जाए लाला माला जपते से रह जाए और लागे बर्छी उड़ जाए करछी अर्थी घूम गिरे भेरा और कोई कोई छत्ती माण हो पारे जो लोथन में जाए छुपाए और नीचे मुर्दा ऊपर मुर्दा बीच मरी सागी रह जाए और पिछले हाथी रण के साथी सारे बिना काल मर जाए और कोई कोई देखत एक आंख से ताऊ गीत काढ़ ले जाए हुई जाए और रास्ता छोड़ दे वो माड़ो की भजबे हड़ को चले बराए और पर के छतना महुबे बारे दुश्मन हाथ जोड़ मुह खाए और जागत बीतत है दंगल में अम्मा झोर बजे तलवार और छेदत जावे महुबे बारे भागत माड़ो के सरदार और एक बेर की धाबा बोलो नामी बंस बना फटियार और हटे मोर चाहे करिया के छत्री डार भजे हथियार सराज और बच्छराज ने मारे सूर कई हजार और ताला सैयद की मारन में भाजत मानो के सरदार और भजो करिंगा है मोहरा से गीत को डंगा है। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, जिस समय करिंगा युद्ध को छोड़कर के भागा दशराज बच्छराज विजय का जश्न मनाते हुए महोबे की ओर चलते हैं। अरे करिया पहुंच गओ है डेरा में, और बैठे चुगिल मही पतिराए रोती सूरत लेके करिया धर दो पत्थर गिरे उतारी बिकट लड़ाई है रे महुबे की अरे तन में इंच इंच पर घाय मालूम पड़ती हमें रे दियरा में कैसे विजय हो न किनाए महल के सामने जाकर के बोला मेरे दोस्त आरे का मुख लेके माढ़ो जावे और कहा दादा को दी है सुनाए बात तुम्हारी माहिल मानी सोबत दीने सिंह जगाई हमारे ये आपत्ति है के वापिस पूछ जाए करवाई अरे 10,000 छत्री जूझे है ना घाई लगी कछु समारी और हाथी घोड़ा ऊंट साड़िया सबके बहत खून की धारी आरे
गज गज धरती बाहर ऊपर रही काऊ के हो से ठिकाने नाही। और अब हम पूजा भ्यासति है रे भी आत बना फर राई। अरे राम तीर तूफानी भैया मधुर नकारा रहे मजाई। और प्रेम चंद गुरु भाई मेरे रे ढोलक पे ताल लगाई। अरे ललन भ्रात सभा में बैठे सुंदर चिमटा रहे मजाई। अभिलाष भैया कैसे भरत सूर्यन आल्हा रहे सुनाई। इत मुस्किय खुल गई है रे माहिल की हंस की कही मही पतिराई। जिस समय करिंघा को दास देखा है तो माहिल मामा मुस्करा करके बोले हैं कि यार इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो। अरे लड़े न जीतो उन कलहन से नामी वंश बना फहराई। और सांप मरे ना लाठी तू पे सुंदर देवी अकल बताई। महल कहने लगे हैं एक अकल है करिंघा कि इस समय महोबे में खुशी का जश्न है। सभी जवान विजय के जश्न में डूबे हुए हैं। आर्य नाच रंग में सब डूबे हैं घर घर हो तम मंगलाचारी। और फौज हटाई दे पाछू रह जा छटे छटे सरदारी। फौज शेष है इस फौज को यहां से काफी पीछे हटाओ। मुख्य मुख्य सरदार केवल यहां पर रुको आगे अकल मैं बता रहा हूं। अरे महबे वाले ये समझेंगे लौटे मानो के सरदारी। और रेनी अंधेरी घिरे धनेरी देरी करो जंग की नाही। अरे आधी रात के अध खंडा पे फौजी लगी किलाते जाई। और पहरेदारन को बध करके फाटक तोड़ दे उहर साई। अरे एक संग किला में पिल जाले महबे की लूट कराई। और ये मन भाई करिया के दिल की कली कली खिल जाई। दोस्तों जिस समय माहिल की शीख मांग करके माणो के सरदार ने अपनी फौज महोदय की सीम से काफी पीछे हटा दी छटे हुए सरदार करिया के साथ में रह गए। दोस्तों आधी रात पर हमले की तैयारी में करिंघा जुटा है और उधर महोबे की ओर एक नजर डालें।
दशराज की पत्नी देवे जो आल्हा की मां थी। अरे सात बरस के आल्हा बेटा पेट में हते उदय सिंह राय मलखे सुलखे बारे बारे हाड़े आल्हा बेले ही निहारी। चढ़ी महल पे सब ही रानी सब को असगुन होते अपारी बिंदी सिर की चूड़ी मर की फड़की आंख तो भई बेजारी। दोस्तों रोद स्वान ध्यान तो तको दिल में उठने लगे बिचारी ध्यान कता महुबे बेछाई आई विपति घटा मडराई। जियरा में तो पंजा खेच रहे ही करतारी। अरे व्याकुल हुई कि दे दे देखे आला छाती सुलह लगाई मलखे सुलखे दोनों भैया तो कनका आंचल मिले ही छिपाई। अबला इस समय महोबे में दशपुरबा में विपत्ति की घटा उठ रही है। मां देवे और कनका के हाल कैसे थे? मांग सिंदूर भरो न भरो मेरी चोली के बंद खुले हैं कैसे मेरी बेसर की लर टूट गई दीदी मेरो रोज डटे अब कैसे। विचार कहें सुरजन मेरी नाब को पार मिले अब कैसे। भक्तो लख असगुन मैया देवे की छाती फट रही है। अभिलाख असगुन लख देवे मैया की छाती फट रही है। छाती फट रही है महुबे में असगुन लख के मात देवे की छाती फट रही है। ए! याद रखना मेरे हम उम्र दोस्तों इधर मां देवे को और कनका को असगुन होते हैं और उधर माहिल की शीख मान करके करंगा हमले के लिए तैयार होता है। समय अर्ध निशा का है। अरे आधी रात के अधखंडा पे धावा करो करिंगाराय और सब ही ज्वान करे कठोरे दिल की बिथा कही समझाई। बारे ज्वान करारे गिन गिन मारे ज्वान हमारी।
चाहूं देश के लाले उठे भाई और चौतरफा से गढ़ महुबे की घेरा बंदी ले करवाई आगे सोर ले जाइयो खाइयो सात पुस्तलों जाई आरे दस राज और बच्छराज तू सोबत के दिलियो करवाई और छाती भबकती है करिया थी उन्हीं कोलू में दे पिरवाई समय आधी रात के वक्त पर करेंगे हमला के लिए महोबे के निकट आता है आरे चले सूरमा गड़मान हो के पैदल पलटनी और सवारी और थोड़ी देर लगी मार्ग में घेरो किला महोबे क्यारी देखो है सबई को भारी खुशी करिंघाराई जिस समय महोबे के फाटक पर आया आरे खड़बर सुन के जगे सिपाही अपन लय हथियार उठाई आरे जवान निराले करिया पर फाटक कूद भय बापारी और पहरेदार सूत दई तलवारी आरे बीस सिपाही थे द्वारे पे सबकी कटा दई करवाई और फाटक खोल दो महुबे वो सबरी फौज पड़ी अराई दोस्तों करिया की फौज पुनः लौट करके महोबे के किला में जब प्रवेश करती है आर्य भजर परी किला के अंदर चौबीस मोती रही मंडराई और सोबत जागत जो जा पाओ सबको कतल दो करवाई सराज और बच्छराज के एकदम भनक पड़ी जब कहानी दोस्तों जब दशराज बच्छराज ने सुना कि महोबा लुटना है आरे जैसे नहर बन में गर्जे ठाड़ो गज मारे चिंगारी और ऐसे ही गर्जे दोनों भैया म्यान से खेच लई तलवारी को शदी करी का यार और हुक्म दो है अब करिया ने ले बेरिन को कैद कराए वो झुके सिपाही मारो बारे घेरे जाए बना फरराए दोस्तों इधर नींद के मारे हुए थे और उधर मारो के जवान सचेत होकर हमला करने आए थे आरे तुझ तो करके बकरिया ने लुहिया जाल दो डरवाई और बांधी जनीरन दो भैयन को पापी महलन गो लिबाई जिस समय दशराज और बच्छराज दोनों भाई करिया ने कैद कर लिए सिपाहियों को आज्ञा दी कि इन्हें मारना मत इनको मैं माढ़ो में कैद करके ले चलूंगा दोस्तों हुआ क्या
दशराज बक्षराज तो बंद रहे, लेकिन अपने पुत्रों को बचाने के लिए माँ देवे ने तीनों अबोध बच्चे केवाड़ों में बंद कर दिए। दोस्तों, अरे संकट आज विकट महुबे पे, रक्षा करो तो श्री करनारी। देवे मैया के गर्भवती थी, पेट में हते उदय सिंह लाई। और चढ़ो करिंगा के जब छाती पे, तोड़ो जाए थे नौलखा हारी। दादम देवे कीरे पानी है के अभिमानी, सुन ध्यान लगाई। वो दिन दोपहर ली है लुटवाई। अरे रूखन छोड़े तेरे कस्बा में, जा पे बैठ के बोली है काग। और घोड़ा पपैया गज पक्षावत की, नौकरिया मेरे अधिकारी। उठाड़ो बोती है फिर